Hey guys, ये देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ, शायद पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी। ऊपर है सूरज और उसके नीचे से विमान जा रहा है और उसकी जो वो पीछे का जो छोड़ता है ना धुआं, वो देखिए क्या बात है एकदम। ये यहाँ पे हमने हमारी बाइक लगा दी है और ये फ्रेंड की बाइक और हम जा रहे हैं। ये देखिए मैं पीछे दिखाता हूँ, अगर देखेंगे आप ये देखिए तो हम जा रहे हैं नीचे नीचे नीचे। हाँ क्या बात है, ये देखिए ये है वहाँ का बंदा सफेद। देखिए ये मेरा दोस्त पूछ रहा है कि मैठू चमनू लाइए। माँ ने बोला था बेटा नमक लेके आ। अब बेटा नमक लेने की कोशिश करने लगा है। ये है नमक, टाटा शुद्ध नमक, टाटा शुद्ध दाने दाने में, दाने दाने में नमक का स्वाद। इसमें केसर नहीं होता। फॉग जो इन मुंह अंदर डसी है तो हमें कहाँ पैर रखने हैं, हमें तो हमारा कैमरा रखना। ये देखिए गाइस ये है नीला पानी, आपको दिख रहा है, दिस इज अ ग्रीन वाटर। क्या बात, और ये मीठा नहीं है, ये पानी खारा है। ये गाइस देखिए, और ये अभी भी सोच रहा है कि नमक कैसे ले जाए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो यहाँ पे आकर ले जाइए। द वे थ्रू हेवन, वे थ्रू हेवन, ये देखिए ये है धोला वीरा द वे टू हेवन। ये देखो बाइकर्स भी उठ गए। तो गाइस हम लोग निकल पड़े हैं और हमें देखना है रोड टू हेवन का वो पॉइंट जहाँ पे एक पॉइंट पे आके ज़मीन और आसमां ठीक है दोनों एक हो जाते हैं। देखो आप इस तरफ भी देखोगे ना तो आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये खाली बीच में वो जो है उसकी वजह से समझ में आता है, और ना अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर चालू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखो आसमां कहाँ मिल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी ऐसा ही है। देखो दोनों तरफ सेम है, इसी को तो देखने के लिए लोग आते हैं। देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, देखो यार क्या बात है, जबरदस्त नो ड्रोन जोन, समझ रहे हो, प्रतिबंधित विस्तार, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते गाइस, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो गाइस ये हम निकल पड़े हैं धोलावीरा की ओर, और ये है गाइस देखिए ये है रोड टू हेवन इस तरफ, और देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि कहाँ ये नमक का समंदर ख़त्म हो रहा है और कहाँ आसमान शुरू हो रहा है।
ये देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ तक सिर्फ समंदर ही समंदर दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तब भी वही समंदर जैसा दिख रहा है। क्या बात है, मज़ा आ गया। इस जगह की खासियत ही तो यही है गाइस कि आपको जो चीज़ नहीं देखती वो चीज़ ढूंढने पे मजबूर कर रहा है। हमारी गाड़ी चल रही है 60 से 70 के बीच में, ठीक है, लेकिन हमारा जो उत्साह चल रहा है वो 500,000 से नीचे की स्पीड में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दोनों तरफ का समंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे आपको एक सही पॉइंट पे ले जाकर फिर दिखाना है ताकि आपको पता चले कि इस जगह को रोड टू हेवन मतलब जन्नत का रास्ता क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, इस चीज़ को अपनी आँखों से सच होते हुए देखने के लिए। ये देखिए, इसे कहते हैं नज़ारा, ज़बरदस्त। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे समंदर स्टार्ट हो रहा है, सॉरी कहाँ पे समंदर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से आसमां शुरू हो रहा है। मतलब दोनों एक ही जगह पे पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। ये देखिए क्या बात है, गजब, एकदम ज़बरदस्त। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, ये इस ओर, ठीक है। अब इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये है दूसरी ओर। क्या मुझे आप बता पाएंगे कि कहाँ से जो यस मुझे बताइए कि कहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, समंदर, और कहाँ से आसमान शुरू हो रहा है। दोनों एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। देखो ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा। इस तरफ भी अगर देखो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो गाइस ये जो है जगह, इसीलिए इसे कहते हैं रोड टू हेवन। ये ऊपर है हेवन, ये है रोड, और ये रोड टू हेवन का कनेक्शन, ठीक है, देखिए आप। तो मेरी गाड़ी अभी जा रही है 50-60 पे और मुझे आ रहा है मज़ा, वाह। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए इस तरफ, ओह, या फिर इस तरफ देखिए, दिख रहा है दोनों तरफ, कहीं किसी भी तरफ में किनारा नहीं मिल रहा, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये देखिए, ये देखिए, हम क्या कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गाइस, देखा आपने, फ्लेमिंगो बर्ड, वाह। मतलब ये जो रास्ता है वो पूरा का पूरा 30 किलोमीटर का है शायद, 30-40 किलोमीटर का, ठीक है, 40 किलोमीटर का रास्ता है शायद। तो ये पूरा का पूरा रास्ता इतना ज़बरदस्त है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस खूबसूरती को बयां करने के लिए, वाह। आई होप कि आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है गाइस। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो इलाका है,
ठीक है, ये जो रास्ता है, रास्ता नहीं सॉरी, ये जो हिस्सा है वो आपको प्रॉपर दिखे, क्यों? क्योंकि इसी जगह पे रोड टू हेवन होता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे पूरा का पूरा समंदर आसमान के साथ मिलने की कोशिश करता है। इस तरफ ही देखिए आप, देखिए क्या बात है, और बाइकर्स है जो इस तरफ आए हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त लाइट लगाई है इन्होंने, कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए गाइस, ये देखिए, दोनों तरफ, इस तरफ है नमक, इस तरफ भी नमक, दोनों तरफ नमक का समंदर, ज़बरदस्त। तो गाइस अभी जो डोला बिड़ा है वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बस हम धोलावीरा से 15 किलोमीटर दूर है। देख सकते ये दो बाइकर्स यहाँ पे है और हम निकल पड़े हैं। तो गाइस आपको वो सामने रोशनी दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, तो वो ही है धोलावीरा। और ये बाइकर से है, साइकिल से है, या क्या है, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल है भाई, साइकिल लेके निकल पड़ा है, क्या बात है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो मैं आपको आसपास की चीज़ें दिखाने नहीं पाऊँगा, और ये अभी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में रोड टू हेवन, और उसके बाद शुरू होगा धोलावीरा, तो मेरे साथ बने रहिए। ये पहुँचे हम धोलावीरा के अंदर, आ गए धोलावीरा के अंदर आ गए। अभी हम जाएंगे सीधा हमारे रिसोर्ट की ओर जहाँ पे हम रुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, धोलावीरा टूरिज्म रिसोर्ट्स, ठीक है। तो ये हम धोलावीरा गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आगे हमारी होगी रिसोर्ट। तो गाइस ये आपको जो दिख रहे हैं धोलावीरा टूरिज्म रिसोर्ट, ठीक है, वेलकम वाली, बस यही है, हम यहीं पे रुके हैं, वेलकम टू धोलावीरा रिसोर्ट। तो ये हम पहुंच चुके हैं गाइस। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो हम मस्त आराम करेंगे, ठीक है, थैंक यू।